ये केजरीवाल जीरो जीरो है बिल्कुल। फोटो तो लगाया बहुत बड़ा फोटो लगाया है जो केजरीवाल वाले उन्होंने लगाया, लेकिन बिल्कुल जीरो है, हैं? और मकान मालिक बिजली बिल ले रहे हैं, अभी महिला की पिटाई हुई है, 10,000 रुपए कैसे 10,000 रुपए बिजली का बिल मीटर लगा रखे हैं बड़े बड़े, बेचारी ये गरीब गुरबाएं जो बेचारी किराए पे रहती है, ये देखो तो बिजली का बिल इनसे अलग लिया जा रहा है, लेते हैं बिजली का बिल भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बिजली का बिल नहीं आ रहा, बिजली का बिल भी आ रहा है। ये गाड़ी मैं मंगवाती हूँ महिलाओं के लिए भी, सभी के लिए, क्योंकि ये सारी महिलाएं ना बस्तियों में काम करने जाती हैं, घरों में काम करने जाती हैं, तो इसीलिए मैं शाम को मंगवाती हूँ ताकि ये खाली होके पानी भर सके। यहाँ पे जमीन में भी पानी नहीं है, अगर आप जमीन का पानी देखोगे ना सारे बर्तन येल्लो येल्लो हुए पड़े हैं, जमीन के पानी से टोटली बर्तन येल्लो हो रहे हैं ना, अगर कपड़े भी धोएंगे वो भी येल्लो हो रहे हैं, पानी जमीन का भी बेकार है और पीने का भी बेकार है। और दूसरी बात यह है कि इससे भी पूर्ति नहीं हो पाती, बेचारी कभी कभी तो खाली चली जाती हैं महिलाएं, तो महिलाओं के लिए मैं ये काम करती हूँ ताकि ये इससे भर सकें, बच्चे के साथ में भी भर सकें, छोटे छोटे बच्चे भी भरने आते हैं, देखिए गुड़ियाएँ भरने आती हैं, लड़कियाँ ही भरने आती हैं, तो यहाँ पानी पानी डाला तो है लाइनों में, लेकिन ना तो पीने योग्य ना ही बाल्टियाँ भर पाती हैं लोगों की, थोड़ी देर के लिए आता है फिर एकदम बंद हो जाता है, यानी कि नाम का बस नाम का। आप अभी जाके गली में देख लीजिए, इनकी गली में अभी औरतें ऐसे भर रही होंगी, ऐसे टपक टपक के आ रहा होगा पानी वहाँ पे, तो इस तरीके से हो रहा है यहाँ पर। दावे तो बड़े बड़े कर रही है सरकार, सरकार दावे बड़े बड़े कर रही है, अभी हमारे यहाँ नालियाँ देख लीजिए है, सीवर देख लीजिए, कहीं कहीं सीवर ऐसे पड़े हुए हैं, है? और दावे बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा, शून्य हो रहा है काम, बिल्कुल शून्य। मैं देख रहा हूँ बह भी जा रहा है, बह इसलिए जा रहा है क्योंकि मैं उधर नहीं, मैं कम कर देती हूँ, कभी ज़्यादा कर देती हूँ ताकि सही से भर ले, अभी मैं नहीं हूँ ना तो लाइन में भी नहीं है, तो लाइनों में लगती हैं सब महिलाएं करती हैं। 24 में हम प्रवेश कर गए, नए भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन इधर तो की बात करते हैं, लेकिन नया भारत देखिए हमारा जल बोर्ड, महिलाएं लड़ती हैं आपस में, बच्चे लड़ते गिर जाते हैं, यहाँ चोटें लग जाती हैं औरतों की चोटें लग जाती हैं, महिलाएं ऐसी बेचारी आती हैं एक दूसरे को खींचते हैं, जल्दी जल्दी भरती हैं, बच्चे गिर जाते हैं, उनको फिर संभालना पड़ता है, इस तरीके का होता है यहाँ पर के। वो जो फोटो लगा ना केजरीवाल जी का, वो तो देश भर में प्रचार कर रहे हैं, मैं फ्री बिजली पानी दे रहा हूँ। फ्री बिजली पानी नाम का है, कुछ नहीं है, ये फ्री है, देखो बस यही डब्बा फ्री है, घरों पे कुछ घरों में कुछ नहीं है, ये डब्बा फ्री है बस, जितना महिलाएं भर सके। ये केजरीवाल जीरो है बिल्कुल। फोटो तो लगाया बहुत बड़ा फोटो लगाया है जो केजरीवाल वाले उन्होंने लगाया, लेकिन बिल्कुल जीरो है, हैं? और मकान मालिक बिजली बिल ले रहे हैं, अभी महिला की पिटाई हुई है, 10,000 रुपए कैसे 10,000 रुपए बिजली का बिल मीटर लगा रखे हैं बड़े बड़े, बेचारी ये गरीब गुरबाएं जो बेचारी किराए पे रहती है, ये देखो तो बिजली का बिल इनसे अलग लिया जा रहा है, लेते हैं बिजली का बिल भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बिजली का बिल नहीं आ रहा, बिजली का बिल भी आ रहा है, आपसे भी लिया जा रहा है। हाँ 10,000 लेते हैं बिजली, 10,000 हाँ बिजली बिल भी ले लीजिए, ये सच्चाई है, एक तरफ तो आ करके बातें तो बड़ी बड़ी की जाएंगी, फ्री बिजली फ्री पानी, ये सच महिलाएं बता रही हैं। बिजली बिल भी लेते हैं हर महीने, बोलते इतने आ गए, न टीवी न पंखे चलते हैं, पंखा कुछ नहीं चल रहा है, फिर भी 10,000 बिल आ रहा है। और दूसरी बात सुनिए, पहले अनाज मिलता था लोगों को, पेट भर पर अनाज मिलता था, अब अगर तीन लोग हैं तो कितना, 2 लोगों के लिए 10 किलो मिल रहा है बस, 2 किलो चावल 8 किलो गेहूँ, कोई रिश्तेदार आ गया ऐसी भेज दें क्या हम लोग, जब हमारी ना नौकरी है ना हमारा कुछ है, कुछ भी नहीं है, और राशन भी हमको 5-5 किलो 8-8 किलो एक जने को यहाँ पे बस 5 किलो देते हैं, और 2 जने का 10 किलो आता है मेरे घर में, सिर्फ 10 किलो आता है उसमें चावल, और 2 किलो चावल 8 किलो गेहूं आता है, बाकी बेचारे के कहाँ जाए, कोई रिलेशन आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, कैसे रहे, भूखा प्यासा कैसे रहे, ये चक्कर है सारा। ये और भी आसपास के और भी क्षेत्रों में यही समस्या है पानी की या केवल यहीं पे? मुझे औरों का नहीं पता, मेरे यहाँ तो बहुत बुरी तरह पर समस्या है, औरों का नहीं पता मुझे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अर्जुन और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस समय मैं मौजूद हूं, और एक तरफ जहां बड़ी बड़ी बातें की जाती है दिल्ली सरकार की तरफ से, फ्री पानी फ्री बिजली, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के हालात क्या हैं वो आप सीधे इस समय पीछे देख सकते हैं। एक तरफ तो आपको दिखेगा पीछे त्रिलोकपुरी विधानसभा और हंसता हुआ चेहरा अरविंद केजरीवाल का, रोहित मेहरोलिया चेहरा अपना पूरा खिलखिलाया हुआ लगाया हुआ है यहाँ पर,
फोटो लगाया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, घर से बाल्टी लेकर के आए हैं पानी भरने के लिए, क्योंकि पानी जो है वो घरों तक नहीं आ रहा है। आइए बात करेंगे इन लोगों से। इस समय आप देख सकते हैं जो यहाँ पर हालात बने हुए हैं, आज के युग में भी एक तरफ बड़ी बड़ी बातें करना कि दिल्ली को लंदन पेरिस हम बना रहे हैं, और दूसरी तरफ ये सच्चाई है दिल्ली की जो इस समय सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। आइए बात करेंगे यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उनका क्या कहना है इस पर। जी क्या नाम है आपका? प्रमोद सिंह। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो ये क्या आज पानी नहीं आया या यही ऐसा ही रहता है? पानी डेली कंटिन्यू आता है, इसी में आता है। हाँ। अच्छा, तो पानी की सप्लाई वैसे घरों पे नहीं हो रही है? घरों पे सप्लाई है लेकिन वो पीने लायक नहीं है पानी। पीने लायक नहीं है? अच्छा, तो ये रोज इसी तरीके लाइन लगती है? नहीं, ये थोड़ा इसका स्विच खराब हो गया था इसलिए भी ठीक कराया, जितनी लाइन नहीं लगती कभी यहाँ पे। हाँ, तो लोगों को आना पड़ता है इसी तरीके। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम? आकाश नाम है जी। आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं पानी के वाटर टैंकर चलाता हूँ। वाटर टैंकर लेकर आते हैं? रोज लेकर आते हैं वाटर टैंकर? हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, हफ्ते में चार दिन। हफ्ते में चार दिन? तो ऐसे ही भीड़ लगती है यहाँ पर? नहीं, लाइन लगा के आराम से भरती पब्लिक। हाँ, आज थोड़ा ये खराब हो गया था ना हैंडल। अच्छा, इस वजह से थोड़ी भीड़ हो गई। अच्छा, आपका क्या नाम? मेरा विश्वनाथ भगत। विश्वनाथ भगत। आप भी आए हैं पानी भरने के लिए? नहीं सर, मैं तो ऐसे आया हूँ। यहीं आकर के लोग पानी? जी जी, यहीं से लेते सर। देख सकते हैं इस समय ये कंडीशन है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की कंडीशन है ये। युवा भी कुछ मौजूद हैं जो यहाँ खड़े हैं लाइन में पानी के लिए। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रितु सिंह है। अच्छा, यहीं रहते हैं आप? जी हाँ। ये हालात तो मैं देख रहा हूँ, ये ऐसे ही होता है रोज यहाँ पर? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता। अभी थोड़ा ये खराब हो गया था तो इस वजह से भीड़ हो गया, नहीं तो ऐसा नहीं होता सर। तो पानी घर पे नहीं आ रहा है क्या? क्या सर? पानी घर पे नहीं आ रहा? नहीं सर, पीने का सर नहीं आता है। जी, दिल्ली सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है, हम फ्री बिजली पानी सब दे रहे हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, वही तो मैं देख रहा। वादे तो सभी करते हैं, निभाता कौन है? काका ने भी पानी भरा है। काका क्या नाम है आपका? सुभाष। कितनी उम्र होगी आपकी? 60 के लगभग, 64 है। अच्छा, एक मिनट रख लीजिए। हाँ। कितनी उम्र है? 64। 64 साल। पानी भरने आए हैं आप? हाँ, पानी भरने आया, यही पीते हैं टैंकर का। अच्छा, टैंकर का पीते हैं। घरों पे पानी वो नहीं आ रहा? सही, वो समर सीवर करवा रखा लेकिन फिल्टर की जरूरत है, फिल्टर लगाया नहीं हमने। अब पानी पीने के लिए जो हो जा वैसे जो है सारा काम उससे हो। तो वो भी साफ नहीं आता है पानी, गंदा रहे, वो गंदा रहता है। ये तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, केजरीवाल फ्री बिजली पानी बांट रहा हूँ सबको। बात करने में के पैसे लगे हैं? हाँ। बात करने में पैसे नहीं लगते, वैसे काम करवा में जब पैसे लगे हैं। तो जो हालात देख रहा हूँ, महिलाएं भी आई हुई हैं और सब लगे हैं लाइन में। ऐसे ही बुरा हाल है, इतने पानी नहीं भरा जाएगा, इतना खाली नहीं होगा, ऐसे ही लाइन लगी रहेगी। अगर खाली हो गया, जो लोग लाइन में लगे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो अपने घर जाओ या मोल लो बोतल, जब पानी नहीं आता बोतल लेते हैं पीने की। अच्छा। हाँ, बोतल खरीदनी पड़ती है। तो क्या कहेंगे जो बातें करते हैं फ्री बिजली पानी की? करते तो हैं, करे कोई तब ना, बात तो दुनिया करे। तो पूरे देश में डिंडोरा पीटते हैं केजरीवाल जा करके, मैं सबको दिल्ली वासियों को फ्री बिजली पानी दे रहा हूँ। अब फ्री दे रहा, यो टैंकर भर के चला जाएगा खाली होके, जो रह गए यो चला ही जाएगा, फिर आवेगा पता नहीं कल आओ, कल आओ परसों आओ। महिलाओं से भी बात करते हैं, क्या नाम है आपका? हाँ जी, पिंकी। ऐसे ही लगते हैं लाइन में आप पानी के लिए? हाँ। ये दिल्ली के हालात देख रहे हैं? हाँ जी। ये दिल्ली में ये हालात है अभी, राजधानी है देश की जी। पानी नहीं आता घर पर? नहीं, घर पर नहीं आता। घर पे नहीं आ रहा है? नहीं। दिल्ली सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है, हम पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पानी नहीं। पानी मिलता रहा, आप धक्का मार धक्का मारी, एक हफ्ता में आवे, ये भी एक एक हफ्ते में आता है। सोमवार को आया, सोमवार से आज आया, सोमवार के बाद आज आ रहा है। यही हालात होते हैं, ये जैसे धक्का मारी हो रही है, वही रही अभी धक्का मारी। ऐसे तो बहुत समस्याएं हैं आप लोगों को, देख सकते हैं आप यहाँ पानी जो है वो सभी लगे हुए हैं कि किसी तरीके हम जो है वो पानी भर लें यहाँ पर। और लोगों का ये भी कहना है अगर खाली हो गया तो फिर ऐसे ही खाली हाथ जो है वो घर लौटना पड़ता है, खुद ही घर से बाल्टी लेकर के आए हैं, इसी में जो है वो पानी भरते हैं यहाँ पर। जी आपका क्या नाम है? रोशनी। आप भी ऐसे रोज आते हैं पानी भरने?
हाँ पानी मिलता है, पानी की सुविधा है, ये थ्रू नहीं है। तीसरे दिन आता है टैंकर, दिक्कत नहीं है। तीसरे दिन आता है, पानी की दिक्कत नहीं है, पानी पीने को मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये तो सीधा घर पर, घर तक पहुंचना चाहिए ना आपको। नहीं तो घर पे कौन पहुंचा देगा, कोई भी सरकार ऐसे नहीं करे, घर पे कोई नहीं पहुंचाएगा सर, हर किसी पाइपलाइन से पहुंच जाएगा। हम लोगों को टैंकर का पानी मिलता है, टैंकर का पानी मिलता है, लेकिन अब तो हर घर नल वाली योजना है। पीने वाला भी आता है, उसको हम लोग यूज नहीं करते है ना, पीने वाला भी सप्लाई वाला पानी भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, पर हम लोग को ये यही पानी की आदत बन गई, इसलिए हम यही पानी इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति देखने को मिल रही है मेरे को। अम्मा क्या नाम है आपका? रमा है। ऐसे ऐसे ही आना पड़ता है यहाँ पानी भरने? हाँ, मैं डेली नहीं आते है, कभी कभार आ जाती। मैं